ओके लेट्स सी कि 22nd ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 20 और 21 दोनों दिन की हमने बात कर ली है, तो लेट्स सी कि 22 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 22nd ऑफ जून 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 22nd ऑफ जून क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या एनर्जी है। ओके सो वी हैव 3 कार्ड्स, वाओ। ओके हमें हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है और लास्ट कार्ड जो है व्हाट इज दिस, दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ। ओके सो एक पावरफुल मैजिक बाहर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे फ्लावर्स लेकर बैठी है क्योंकि उसकी कैट उसको फूल ला कर दे रही है। वो ड्रैगन के ऊपर बैठी है और ड्रैगन को जो है उसके नाक से, उसके मुंह से आग नहीं निकल रही है, उसके नाक से धुआं निकल रहा है। फाइनली आग जो है वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ धुआं बचा है। और यहाँ पे एक हमिंग बर्ड है छोटा सा, जो यहाँ पे फ्लावर्स जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लेके बैठी है उनके रस के लिए आया है हमिंग बर्ड। और यहाँ पे हमिंग बर्ड एक स्टोरी है जिसमें हमिंग बर्ड जो है वो बीस्ट को पकड़वाता है। और आई थिंक मुझे ये स्टोरी यहाँ रेलिवेंट लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड मतलब कोई आपको प्लीज़ करने की कोशिश कर सकता है या आप किसी को प्लीज़ करने की कोशिश कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है, ग्रोथ की एनर्जी हो सकती है, प्रोटेक्टेड एनर्जी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से धुआं उठ रहा है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो छुपने वाला नहीं है, और अगर आपने सही किया है तो वो भी छुपने वाला नहीं है। और आपकी इंट्यूशन जो है वो डेफिनेटली हाई रहने वाली है। धुआं जो है दूर से देखा जा सकता है, तो आप कहाँ हो, कैसे हो, किस जगह पर हो, वो बहुत दूर से देखा जा सकता है। आपकी लोकेशन जो है वो बहुत दूर से देखी जा सकती है। और यहाँ पे मुझे एक एंड और बिगनिंग की एनर्जी भी लग रही है। और यहाँ पे जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, मैं एक और क्लैरिफिकेशन निकालूंगी, लेकिन इट लुक्स लाइक जैसे रात के अंधेरे में किसी ने इसको मारा और वो भागा, राइट, अपनी बिल्ली लेकर। और अगर आप यहाँ देखोगे तो एक सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कपड़े देखिए और भागने वाले के कपड़े देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बिल्ली देखिए और भागने वाले की बिल्ली देखिए। तो आपको एक सीक्वेंस जो है एक कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा क्लैरिटी जो है, और यहाँ पर धुआं भी दिखाई देगा, बादल या धुआं जो है वो भी दिखाई देगा। तो आपको एक सीक्वेंस जो है यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जिसको मारा है वो मरा नहीं है पूरी तरह से। वो अपना वॉन्ड जो है उठा रहा है, और वॉन्ड उठाने के बाद या अपना झाड़ू जो है वो उठा रहा है, या अपनी स्वॉर्ड जो है वो निकाल रहा है, और उसके बाद फुल बैक एनर्जी, बैक टू फुल एनर्जी जो है वो उसमें पहुंच गया है। और यहाँ पे मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसने आपको पीठ के बल गिरा दिया था, या जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी, कोई सर्जरी भी हो सकती है, कोई डिफिकल्टी भी हो सकती है, तो वो डिफिकल्टी आप कम्प्लीटली, यू गोइंग टू क्रॉस दैट डिफिकल्टी कम्प्लीटली, आप उस डिफिकल्टी की कम्प्लीटली ओवरपावर कर लेंगे, आप उस डिफिकल्टी से कम्प्लीटली बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन जो है उसको ज़रूर बिलीव करना है। हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली लग रहा हो कि कोई पर्सन सही नहीं है या कोई सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन आप उसको बिलीव ना कर रहे हो, आप उसको देख ना रहे हो, और अल्टीमेटली आपको पूरा अच्छी तरह से बिट्रे किया जाए तब आपको दिखाई दे। और दूसरा मुझे कोई पास्ट की डिफिकल्टी से, पास्ट के कोई धोखे से रिलीज होने की एनर्जी, पास्ट की किसी धोखे से ओवरकम होकर बाहर आने की एनर्जी, और वो एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई विल टेक आउट अ क्लैरिफिकेशन कार्ड। अपनी बैक हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपने इस दिन, और अगर आपको बैक का इशू है, मुझे लगता है कि इस तरह का रिलीफ भी आपको मिलेगा 22 तारीख को। और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख को कहीं अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है, क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है तो वो गलत नहीं होगा। दूसरा 22 तारीख को एक और चीज़ के लिए केयरफुल रहना है। अगर कोई बहुत आपको बटरिंग कर रहा है, बहुत कुछ गिफ्ट दे रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, द इंटेंशन माइट नॉट बी राइट। सो 22 को थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ गिफ्ट देने की, या किसी चीज़ को आपको आपका आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, द इंटेंशन इज़ नॉट राइट। सो बी केयरफुल, क्योंकि आप you might get betrayed, though you're going to stand back up. So let's see anything else for 22nd. Okay, so here the wheel of fortune, jo cat hai yahan par, ये यहाँ पे वो डाइस से खेल रही है, जो व्हील है वो टर्न हो रहे हैं, और फाइनली जो व्हील है वो घर पे है। ओके सेकंड जो है यहाँ पे 3-5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे एक विच जो है वो फाइनली, ये विचेस बेसिकली उदास हैं क्योंकि इनका मैजिक जो है नहीं चल रहा है, और एक ने सारा मैजिक जो है अपने हाथ में ले लिया है, और एक जो है वो डेफिनेटली हैज कम अंडर द बस। और यहाँ पे लास्ट जो है दैट इज क्वीन ऑफ कप्स, विच इज द एनर्जी ऑफ इंट्यूशन, विच इज द एनर्जी ऑफ पावर। और ये क्वीन ऑफ कप्स जो है वो शेल में पानी लेकर यहाँ
मछलियाँ जो है वापस पानी में छोड़ रही है, और द कैट इज़ आस्किंग फॉर इट, और शी इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट. यहाँ पे सारी क्वींस जो है वो प्रेगनेंट एनर्जी में दिखाई दे रही है मुझे. प्रेगनेंट एनर्जी बर्थ की एनर्जी होती है, रीबर्थ की एनर्जी होती है, लाइफ के वापस आने की एनर्जी होती है. और यहाँ पे शी इज पुटिंग द फिश इन टू द वाटर, पुटिंग द फिश बैक इन टू द वाटर. तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे होम की एनर्जी है, घर की एनर्जी है, व्हील्स के चेंज होने की एनर्जी है, किस्मत के बदलने की एनर्जी है. और किस्मत इस तरह से बदलेगी कि जो विचेस, जो जादूगरनी, जो लोग आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने आपको बिट्रे किया था, वो खुद, अब आप ये ड्रेस फिर से देखिए तो वो खुद, और फिर कैट भी देखिए तो वो खुद बिट्रेयल की एनर्जी में आ जाएंगे. दे आर गोइंग टू फेस द ब्लंट ऑफ व्हाट दे हैव डन. और जो भी फिश, जो भी गलत चीजें की गई थी, जिनको भी उनके हैबिटेंट से निकाला गया था, उनको वापस रिटर्न करने की एनर्जी है. नाउ दिस कुड बी दैट वाइस को हमें जे एंड के से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर मिले, या कोई अच्छा एक्शन जो है जे एंड के से रिलेटेड हो. दैट इज अनदर एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है. बट इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका किस्मत जो है पलटने वाली है, और किसी ने आपके साथ धोखा किया था या कुछ गलत किया था तो उसके साथ फाइनली गलत होने वाला है. एंड यू आर गोइंग टू सी दैट विजिबली हैपनिंग. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वीन फोर की एनर्जी होती है, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया. 5 + 4 = 9 की एनर्जी है. 7 और 9 = 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर से 7 की एनर्जी है. बी फर्म, स्टैंड योर ग्राउंड. आप कुछ बहुत अच्छा देखने वाले हैं ऑन द 22nd of June. और लेट्स सी यहाँ से फर्स्ट पैरा राइट साइड. ओके, फर्स्ट पैरा राइट साइड. फर्स्ट पैरा राइट साइड बोलता है, रिकॉलिंग अ डॉग्स कंप्लेन अगेंस्ट अ मॉक, दिस कंक्लूजन इज ड्रॉन लाइक अ स्वान हु सेपरेट्स वाटर फ्रॉम मिल्क, जस्टिस इज ऑलवेज फाउंड विद इन रामाज रूल. ब्यूटिफुल. तो जो ये बेसिकली बोलता है कि जो इंस्टेंस है जहां पे डॉग जो है उसके साथ गलत किया गया था एक मॉन्क के द्वारा, और मॉन्क को पनिशमेंट मिली, साधु था लेकिन फिर भी पनिशमेंट मिली. तो पावर जो है जस्टिस की ऐसी होती है. और यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है कि जस्टिस और ट्रूथ जो है, सच जो है, वो कभी भी डिसीव नहीं होगा, चाहे वो हाई हो, लो हो, गुड हो, बैड हो. ये पावर जो है ये डिसर्नमेंट की है, और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है. तो अभी इस टाइम पे डिसर्न रहिए, श्योर रहिए कि जो सच है वो नहीं हारेगा. श्योर रहिए कि चाहे किसी ने भी गलत किया हो, वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी पावर में हो, किसी भी मॉन्क राइट और क्वीन ऑफ वांड्स, जस्टिस जो है वो फिर भी इंडिकेट किया जा रहा है, और जस्टिस जो है वो फिर भी होगा. और जस्टिस जो है किसी भी, चाहे आप बहुत कितने भी हाई स्टेटस पे हो, कितने भी अच्छे स्टेटस पे हो, या कितने भी बुरे स्टेटस पे हो, जस्टिस जो है उससे डिसीव नहीं होता है. ब्यूटिफुल एनर्जी. नंबर 3 की वर्स है, 7 था, 3 था, 3 है, 10 बन गया. तो ब्यूटिफुल एनर्जी. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएं, और हो सके तो फीडबैक ज़रूर दें. और अब हम बात करते हैं 23rd की एनर्जी की.